वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग का स्वागत है बैंकपुर में। मैं हूं मनीष गुप्ता। एक बार मुझे कंफर्म कर दें आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, सभी चीजें ओके है, सभी लोग फटाफट से आ जाओ। और आज देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू हो रही हैं। देखो रोज ही क्लासेस रोज ही शुरू अच्छी होती है, लेकिन अब जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है उनका एक तरह से कहते हैं ना कि अंतिम हथौड़ा चलाना है, अंतिम प्रहार चलाना है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग आ जाइए और एक बार मुझे कंफर्म कर दें आवाज वगैरह क्लियर आ रही है। ओके है सभी लोग, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार कंफर्म कर देना। आज देखो, आज आप लोगों को एक नए शख्स से मिलाएंगे, बहुत ही प्यारा शख्स है जो अक्सर हम लोग अपनी क्लासेस में उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है सर, क्लियर है, ऑल क्लियर है। तो चलो, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़िएगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इधर बीच मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से इंटर रिलेट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चों का कॉल भी आ रहा है कि सर मैंने बहुत मेहनत की है, पिछले एक साल से लगे हुए हैं और अभी वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप ये सोचिए, जो आपने एक साल मेहनत की है तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? क्या तैयारी करना छोड़ दोगे? क्या यही सॉल्यूशन है? आपने इतनी मेहनत की है, इतने आगे तक आए हो, मतलब आपने अपनी एक तरह से फाउंडेशन कंप्लीट की है अभी एक साल में, और उस एक साल के फाउंडेशन के लिए आपने क्या किया कि अब आप हार मान रहे हो? ऐसे थोड़े ना होता है। हमारे साथ एक शख्स है जिनका नाम है पनारू लाल, ये आपको हमेशा से सीख देते हैं। अक्सर मैं अपने बैंकिंग फाइनेंशियल से संबंधित जो भी चीजें बताता हूं, जैसे कि ये लोन लेकर भागते हैं, अक्सर पैसा 10 लाख लेकर भाग गए बैंक से, तो ये हमारे पनारू लाल। और इनसे और इनके बीच में, यानी कि विनोद के बीच में और इनकी हमेशा से लड़ाई होती रहती है। पनारू लाल हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और विनोद जो है हमेशा से कहते हैं कि देख रहे हो पनारू। तो यहां पे आपसे कहने का मतलब ये चीज है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपने चीजों को बड़ा रेगुलेट कीजिए, और मुश्किल वक्त है वो धीरे धीरे निकलता चला जाएगा, थोड़ा बेहतर आएगा। इट में भी आप सभी लोग निराश हो रहे होंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होंगी जो आपको लग रहा होगा कि यार अब हमसे ना हो पाएगा। तो आप खुद से सोचिए कि आप क्या वास्तविक तौर पर यहां पे आप हार मानने के लिए आए थे? आपने इतना डेटा खर्चा किया, आपने इतना टाइम खर्चा किया, तो इसे एक साल में पहले ही से ही आप लोगों को वो कर लेना चाहिए था, है ना? तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग बेहतर बनिए, बेहतर चीजों को लाइए। और यहां पे हार मानने से कुछ नहीं होगा, यहां पे हार मानने से कुछ नहीं होगा। और हमेशा से मुश्किलें आएंगी, ऐसा नहीं है कि अभी से हम हार मान जाए, ठीक है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि गधा करने वाली गधे तरीके से तैयारी करोगे तो एक साल नहीं कई साल लग जाएंगे। जो स्मार्ट तरीका होता है, हार्डवर्क तरीका होता है, दोनों को मिलाइए और सफलता प्राप्त कीजिए, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं, सभी लोग आ जाओ, बहुत ही तरीके से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने आ रहा है कि द इंडियन आर्मी कंटिंजेंट, बहुत जल्दी जल्दी शुरू करेंगे इसमें, बहुत ही जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। द इंडियन आर्मी कंटिंजेंट पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज वोस्तोक 2022 दैट वाज कंडक्टेड इन डैश। भारतीय सेना की टुकड़ी ने अभ्यास जो कि वोस्तोक एक्सरसाइज शुरू किया है, वो कहां पे एक्सरसाइज पार्टिसिपेट किया गया है? इंडोनेशिया में, रशिया में, फ्रांस, मलेशिया। सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा और जल्दी जल्दी आंसर बताना शुरू कीजिएगा। द इंडियन आर्मी कंटिंजेंट पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज वोस्तोक 2022 दैट वॉज कंडक्टेड इन डैश, मतलब ये वोस्तोक 2022 कंडक्टेड कहां पे हुआ है? रशिया में हुआ है, ये सभी लोग को याद हो जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इंडोनेशिया की बात करें तो बच्चे, इंडोनेशिया का भी हाल फिलहाल में बहुत सारे एक्सरसाइजेस हुए हैं इंडोनेशिया और भारत के बीच में। जैसे अगर हम लोग देखें तो आपके इंडोनेशिया और सॉरी इंडोनेशिया के साथ देखें तो हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति यही होता है ना भाई, हरिमऊ शक्ति इसी के साथ हुआ है ना? नहीं, हरिमऊ शक्ति इसके साथ नहीं हुआ है, मलेशिया के साथ हुआ है। गरुड़ शक्ति हुआ है, गरुड़ा शक्ति, गरुड़ा शक्ति, ठीक है? गरुड़ा शक्ति के साथ साथ इंडिया इंडो बायलेट भी होता है,
इंडिया इंडो बाइलेट एक्सरसाइजेस भी इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होता है और इंडिया गरुड़ शक्ति के साथ ये किया गया है। अगर हम लोग रशिया के साथ देखें तो इंदिरा और ए वी आई ए इंदिरा ये एक्सरसाइजेस भारत के साथ होती है। फ्रांस के साथ गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीन एक्सरसाइजेस भारत और फ्रांस के बीच में होती है। मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति, ठीक है, हरिमऊ शक्ति, और साथ साथ में एक जो एक कॉर्पोरेट एक्सरसाइजेस होती है, ठीक है। यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, ठीक है, व्रज प्रहार, टाइगर ट्रियम्फ, ये सभी के सभी एक्सरसाइजेस के नाम है, कोई और नहीं, कंपनी के नाम नहीं है, ये युद्ध अभ्यास, व्रज प्रहार, टाइगर ट्रियम, ये सभी एक्सरसाइजेस किसके साथ हो रहे हैं, अमेरिका के साथ हुए हैं, ठीक है। और साथ साथ में इसके संगम कोबरा, ठीक है, रेड फ्लैग, ये सभी एक्सरसाइजेस अमेरिका और भारत के साथ संयुक्त अभ्यास होते हैं, इनको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं कि जो इस साल हुआ है वोस्तोक 2022 रशिया में भारत पार्टिसिपेट किया है, इसमें सैन्य दल और पर्यवेक्षकों के बीच में सहभागिता और सहयोग के लिए इसका उद्देश्य रखा गया था। भारत के साथ साथ कई और देश भी पार्टिसिपेट किए, जैसे कि रशिया, चीन, लाओस, मंगोलिया, निकारगुआ, सीरिया और बहुत सारे पूर्वी सोवियत देश जैसे कि तजिकिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये सभी के सभी देशों के सैनिक आपस में वोस्तोक 2022 का युद्ध अभ्यास किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बहुत बार मैंने रिपीट करवाया, रिवाइज करवाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ विनर्स 64 रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की विजेताओं की सूची में इनमें से कौन सा व्यक्तित्व नहीं है? गैरी बेंचिगिप, बर्नडेट मैड्रिड, सोथेरा छीम, तदाशी हतोरी या उपरोक्त सभी विजेता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, ठीक है, हमारे देश के जो सबसे पहले विनोबा भावे नागरिक थी उनको सन 1978 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और अब यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से किन को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है? सभी लोग बता रहे हैं सभी विनर्स हैं, यानी कि गैरी बेंचिप, बर्नडेट मैड्रिड, सोथेरा छीम, तदाशी हतोरी, ये सभी के सभी विजेता के रूप में जाने जाते हैं, ये रैमन मैग्सेसे। और ये कौन सा संस्करण हुआ था? ये 64वां संस्करण हुआ था। आइए जानते हैं रैमन मैग्सेसे के बारे में। इस साल जो विषय रखा गया था रैमन मैग्सेसे का, वो क्या विषय रखा गया था? ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड और बॉर्डर, ठीक है, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड बॉर्डर, ये विषय रखा गया था। इसकी स्थापना, जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना सन 1957 में की गई थी, एशिया का सबसे बड़ा ग्रेट ऑनर, जैसे कि नोबेल पुरस्कार होता है विश्व का, ठीक उसी तरीके से एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाया जाता है। ये RMAF के द्वारा मैनेज किया जाता है रैमन मैग्सेसे के नाम से, और जो तीसरे प्रेसिडेंट बने थे फिलीपींस के, उनके नाम से शुरुआत हुआ था रैमन मैग्सेसे, ठीक है। वो बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे, यानी कि परोपकारी थे, इसीलिए रैमन मैग्सेसे के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है, पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार 31 अगस्त सन 1958 को दिया गया था, शुरुआत 1957 से हुई थी और पहली बार 31 अगस्त 1958 को दिया गया था। विनोबा भावे जो कि भारत की पहली जो कि थी रैमन मैग्सेसे अवार्ड सन 1958 में इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनैलिटी हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। उस व्यक्तित्व का नाम बताएं जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए। कल्याण चौबे, पीटी उषा, तैयब इकराम, मेघना अलावत, दीपा मलिक। फटाफट से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। नेम द पर्सनैलिटी हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अभी हाल फिलहाल में, और सबसे बड़ी मजे की बात है कि
फुटबॉल भारत की जो फुटबॉल फेडरेशन के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कोई पूर्व खिलाड़ी यानी कि फुटबॉल का खिलाड़ी प्रेसिडेंट के तौर पर भूमिका निभा रहा है। तो इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर इनका क्या नाम आता है, कल्याण चौबे का नाम आता है। क्या नाम आता है, कल्याण चौबे का नाम आता है। पीटी उषा कौन है, पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी अध्यक्षा, पहली प्रेसिडेंट, पहली ओलंपियन, पहली भारतीय ओलंपियन जो कि प्रेसिडेंट के रूप में पीटी उषा को बनाया गया। तैयब इकराम जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मेघना अलावत जो टेबल टेनिस की, भारत की जो टेबल टेनिस है उनकी अध्यक्ष के रूप में इनका पदार्पण हुआ है। दीपा मलिक कौन है भाई, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। तो इनको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है पीटी उषा जिनको हम लोग पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। मेघना अलावत जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, और हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी भी है। ये है दीपा मलिक जो कि टीबी कैंपेन भी कर रही है, टीबी मुक्त भारत कैंपेन के तौर पर भी जानी जाती हैं। साथ ही साथ निक्षय मित्र के ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर राष्ट्रपति जी ने इनको एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना है। ये है तैयब इकराम जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एंड्रिया पेटकोविच ने यूएस ओपन के बाद सेवानिवृत्ति होने की अपनी योजना की घोषणा की है। एंड्रिया पेटकोविच किस देश से संबंध रखती हैं, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या स्पेन। एंड्रिया पेटकोविच कौन है, ये एक भूतपूर्व खिलाड़ी है क्योंकि ये रिटायरमेंट ले ली है, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने एक सेवानिवृत्ति ले ली है। अब ये किस देश से संबंध रखते हैं, इनका नाम है, ये जर्मनी से संबंध रखते हैं। क्या, जर्मनी से संबंध रखते हैं। तो चलिए आज हम लोग यूएस ओपन 2022 के बारे में समझते हैं, यूएस ओपन 2022, ठीक है। अगर हम लोग देखें कुछ ऐसे जो लॉन टेनिस के सबसे बड़े गेम कहलाते हैं, जैसे यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये सभी के सभी बहुत ही बड़े गेम है, और इनके विजेताओं के नाम, उपविजेताओं के नाम, महिलाओं की विजेताओं के नाम और महिलाओं के उपविजेताओं के नाम, डबल में और डबल मिक्स में, इन चार चीजों को याद करके रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है यहीं से क्वेश्चन। तो चलिए याद करते हैं यूएस ओपन के जो विजेता रहे हैं, यूएस ओपन 2022 के विजेता रहे हैं जिनका नाम है अलकाराज गार्फिया, मेंस में यानी कि पुरुष वर्ग में अलकाराज गार्फिया ने जीता है। किसको हराया है, श्री रूट को हराया है। महिलाओं में यानी कि महिला सिंगल्स में ईगा स्वेतिक, इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, ईगा स्वेतिक और जोबेर ये रनर अप रही थी। मेंस डबल में आर राम और सालिस बड़ी इनको विजेता के रूप में घोषित किया गया था। साथ ही विमेंस डबल्स में सानिया कोवा और केजरी कोवा ये भी विमेंस डबल में विनर्स के रूप में आई थी। मिक्स्ड डबल्स में अगर देखा जाए तो सेंडर्स और पियर्स ये दोनों ही मिक्स्ड डबल में विजेता के रूप में रहे हैं। तो इनको याद करना कठिन नहीं है, बस एक बार आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, चीजों को याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में ईगा स्वेतिक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है, उनको विमेन टेनिस एसोसिएशन यानी कि अगर देखा जाए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के तौर पर पहली बार अचीवमेंट मिली है 2022 में, और उन्होंने अगर देखा जाए तो 2022 में टोटल 67 मैचेस जीते हैं। डबल्स टीम ऑफ द ईयर अवार्ड में बारबोरा क्रिचकोवा को और कैटरीना जो कि चेक गणराज्य की बिलोंग करती है इनको मिला है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बेत्रिच हदाद को मिला है जो कि ब्राजील के खिलाड़ी हैं। WTA प्लेयर सर्विस अवार्ड के तौर पर पीची कैलमिर, प्लेयर सर्विस अवार्ड के तौर पर गैब्रिला जो कि कनाडा की हैं उनको मिला है। कोच ऑफ द ईयर को जो कि डेविड विट को मिला है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार द फाउंडेशन बैच, अगर आप सभी लोगों ने सब्सक्रिप्शन से नहीं लिया है फटाफट से सब्सक्रिप्शन से लीजिए, जो डिस्काउंट था वो खत्म कर दिया गया है।
अब जो पहले 70% का डिस्काउंट चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। अब फिर से आपका 1599 में यह आधारता फाउंडेशन बैच आ चुका है जिसमें 60% का डिस्काउंट मिलेगा। बैंक 60 कोड लगाना है। लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, लाइव मॉक सेशन, करंट अफेयर्स मैगजीन, डाउट सेशन, ये सभी की सभी चीजें आपको मिलेंगी। आज से मेरी क्लासेस भी शुरू हो चुकी है आधारता फाउंडेशन बैच 2.0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश कुमार बत्रा वॉज अपॉइंटेड एज द एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। दिनेश कुमार बत्रा को किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए आंसर बताइएगा, ONGC या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। फटाफट से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, आंसर दीजिएगा। जय हिंद। विमल पटेल कह रहे हैं कि सर पुअर क्वालिटी है। पुअर क्वालिटी नहीं है बच्चे, आप अपना पिक्सल जो है उसको बढ़ा लीजिए। क्या कहते हैं उसको, पिक्सल कहते हैं ना, पिक्सल बढ़ा लो। कंप्यूटर पढ़े हुए हो, कम से कम इतना कर लो यार मेरे लिए। ONGC की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार सिंह। अभी अभी हाल फिलहाल में इनको बनाया गया है। ये किसकी जगह पे आए हैं, अलका मित्तल की जगह पे आए हैं, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हम लोग HAL बोलते हैं, इनका क्या नाम है, CB अनंत कृष्णन। ये कौन है, ये डायरेक्टर है HAL की। भारत पेट्रोलियम, अभी हाल फिलहाल में भारत पेट्रोलियम की वत्स रामा कृष्णन गुप्ता, इनको बनाया गया है डायरेक्टर चेयरमैन CMD CEO के तौर पर भारत पेट्रोलियम की। चूंकि आपके दिनेश कुमार बत्रा हैं जो एडिशनल चार्जेस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में बनाए गए हैं, ये किसके लिए, बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के तौर पर बनाया गया। ये एक नवरत्न कंपनी में आता है, नवरत्न कंपनियों में आता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं बेटा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो कि आपके श्रीकांत माधव वैद को बनाया गया है। इनको याद कर लेना। इंक्रीज योर वीडियो क्वालिटी को फटाफट से बढ़ा लो और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोग के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही जनरल अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए, हाल फिलहाल में कैप्टन BK त्यागी को नए CMD यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जहाजरानी निगम के नए CMD के रूप में इनको घोषित किया गया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर बंबई में है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की फाउंडेशन 2 अक्टूबर 1961 में की गई थी जिसका हेडक्वार्टर बंबई में है। तो BK त्यागी जो कि आपके नए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बनाए गए हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पे है? चलो आंसर बताना शुरू कीजिएगा, वियना, बर्लिन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। हाँ विमल, करवा देंगे बच्चे, जल्दी करवाएंगे, ठीक है, जल्दी हम लोग करवा देंगे। एक बार थोड़ा सा सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए तो हम लोग जल्दी करवा देंगे, ठीक है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, आंसर बताइएगा फटाफट से सभी लोग, इसमें कोई कोताही नहीं, आंसर देने में कोई कोताही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर रिसर्च यूरोपियन काउंसिल का ये हेडक्वार्टर कहां पे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वियना, ऑस्ट्रिया, बर्लिन, जर्मनी, न्यूयॉर्क, USA, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, लंदन, UK। चलो आंसर बताओ, सभी लोग आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर्न यानी कि यूरोपियन काउंसिल न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न का हेडक्वार्टर कहां पे है, सर्न का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अब जरा आप सभी लोग बताएं तो जिनेवा में बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन है, टेड्रस एधनम है। क्या नाम है, टेड्रस एधनम है।
अगर हम लोग बात करें किसकी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इसके गिल्बर्ट हांगबो है। कौन है? गिल्बर्ट हांगबो चेयरमैन प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इन सब का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में, इसको याद रख लेना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नगोजी अकोंजो इवेला ये है प्रेसिडेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। नगोजी अकोंजो इवेला, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे बेटा? इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसके जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है डारिन टैंग है, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हम लोग तो भूल ही नहीं सकते, कोलोगनी यानी कि जिनेवा में है, कोलोगनी यानी कि जिनेवा में। और इसके जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है क्लॉज शॉब, ठीक है। इसके साथ हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ी संस्था है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तौर पर जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं पेटारी तलास इनका नाम है, और ये प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाते हैं। और इन सब का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, इनको याद कर लेना, बहुत ही ईजी है। तो सर्न का हेडक्वार्टर जिनेवा में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संस्था है जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, लेकिन ये कुछ प्रमुख है जो आपके परीक्षा में घुमा के, चाहे इधर से चाहे उधर से, कान घुमा के, जैसे ये है ना, ये है पनारू लाल, ये हमेशा से विनोद को कहते हैं कि देख रहे हो विनोद, यहां पे आपका जिनेवा हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। तो ये सारी के सारे आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतनी व्यवस्था करके चलता हूं। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट लॉन्च्ड महिला निधि ए लोन स्कीम फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर वुमेन। चलिए आंसर बताइएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में, बहुत अच्छे बच्चे। पांच का आंसर बच्चा कह रहा है सर पांच का आंसर बता दीजिए। पांच का आंसर है बेल, पांच का आंसर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, घेरा बना दिया मैंने, ठीक है, घेरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस राज्य सरकार का नाम बताए जिसने, भारतवर्ष में ये दूसरा ऐसा राज्य है जिसने महिला निधि की शुरुआत की है, यानी कि महिलाओं को लोन स्कीम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पर दिया जाना है। ये क्यों किया है? राजस्थान सरकार ने, जो कि 26 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता भाई? 26 अगस्त को वीमेन इक्वालिटी डे मनाया जाता है। वीमेन इक्वालिटी यानी कि महिलाओं के समानता दिवस के तौर पर राजस्थान सरकार ने सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया? महिला निधि की शुरुआत की थी। और ये कौन सी सरकार ने? राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। सभी लोग राजस्थान सरकार के गवर्नर का नाम सभी लोग कमेंट कीजिए, देखिए कितने लोग को याद है। राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताइए, ठीक है, जो कि मिस्टर अशोक सिंह गहलोत है। मिस्टर अशोक सिंह गहलोत ये कौन है? मुख्यमंत्री है राजस्थान सरकार की। और पहला ऐसा जो राज्य है, पहला जो कि तेलंगाना है, जिसने, पहला राज्य तेलंगाना जिसने महिला निधि शुरुआत की, और राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य है। ये कोऑपरेटिव, जो कि कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी मदद से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन स्कीम की शुरुआत की है, जिसको महिला निधि बोला जाता है, ठीक है, इनको याद कर लेना, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है? 7,800 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी बातें आप याद कर लो, इंदौर में प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, इंदौर में प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया 2023 का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या हुआ है?
मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मुझे क्लिक कर रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। भैया भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप यहीं पे हुई है, ISSF की शूटिंग चैंपियनशिप जो कि भोपाल में हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 30 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण महीना 2022 का आयोजन किया। ये राष्ट्रीय पोषण महिला 2022 मातृत्व योजना जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं उनके लिए, साथ ही साथ पोषण जो कुपोषण बच्चे का इलाज करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय पोषण महीना 1 से 30 सितंबर तक चलाया गया। इसमें उनको क्या किया जाता है, पैसे वैसे भी दिए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी है, कौन है, क्योंकि सास भी बहू थी, स्मृति ईरानी। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रश्मि सोनी SBI नहीं हुआ, निराश मत होइए, ऐसा नहीं है कि ये एक लास्ट एग्जाम था, आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं, इसमें हार नहीं मानना है रश्मि। पहली बात तो हार नहीं मानना है, अगर आप खुद से हार मान गए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना, हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, मेहनत कीजिए और कहीं ना कहीं स्मार्टनेस जो होती है ना, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए हर एक चीज को। जब हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग के सामने अंगूर भी होते हैं, संतरे भी होते हैं, सेब भी होते हैं, तो हम लोग सभी चीजों को खाने का प्रयास करते हैं। शादी ब्याह में क्या होता है, शादी ब्याह में चाट भी होता है, गुलगप्पा भी होता है, सारी चीजें मिल जाती है, फिर अगले दिन क्या होता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, सुबह सुबह जो है पेट सफा हर रोग दफा वाला दवाई खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ने सारी चीजें अडॉप्ट कर ली, कोई एक चीज मटर पनीर पे फोकस की होती, स्वाद का आनंद भी लेते और मजे भी आते, पेट भी भर जाता। यहां पे मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपने टारगेट लिया है बैंक का, तो बैंक का टारगेट लीजिए और उसको पूरा कीजिए, और बाकी इधर उधर के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो अपने आप आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बैंक अपने आप में ही इतना टफ एग्जाम होता है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। ठीक है रश्मि, रोने की जरूरत नहीं है, तैयारी करो अच्छे से, और इस साल होने वाला है तुम लोग का, जितने बच्चे भी हैं सभी का होने वाला है जो लगे हुए हैं, और 100% हो जाएगा, ये मेरा विश्वास कह रहा है। तो चलो यहां पे पांचवा संस्करण हुआ था 1 से 30 सितंबर के बीच में, राष्ट्रीय पोषण महीना 2022 का आयोजन किया गया था। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, उस व्यक्तित्व का नाम बताएं जिसे भारत के लिए विश्व बैंक की देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है बेटा, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है Washington DC में, इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपास है, कौन है, डेविड मलपास है। ठीक है, अब जो भारत की तरफ से, ठीक है, एक वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इनका क्या नाम है, इंदरमित गिल है, कौन है, इंदरमित गिल। अब जरा देखो, भारत के लिए विश्व बैंक के देश के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, इनका क्या नाम है, अगस्ते तानो कौमे, क्या नाम है, अगस्ते तानो कौमे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें बच्चे अगस्ते तानो कौमे और इंदरमित गिल में, बच्चे इंदरमित गिल को लगा के चले आएंगे, जबकि अगस्ते तानो कौमे जो विश्व बैंक का जो देश के निदेशक के तौर पर, और ये कहां पे है, चेन्नई में, विश्व बैंक का जो ऑफिस है भारत में ये कहां पे बच्चे, चेन्नई में, तो इन यहां पे बैठते हैं अगस्ते तानो कौमे, इंदरमित गिल जो कि भारत की तरफ से विश्व बैंक को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ये बनाए गए हैं। के सुब्रमण्यम कौन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो भारत के जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटर होते हैं उनको बनाया गया है, के सुब्रमण्यम को। रुचिरा कंबोज कौन है, संयुक्त राष्ट्र के जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटर है उनको, रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। उर्जीत सिंह पटेल कौन है, जो हमारे देश की 24वें
आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, साथ ही साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए। इनको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगस्तो तानो कॉमी। के सुब्रमण्यम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, रुचिरा कंबोज का है संयुक्त राष्ट्र के भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, उर्जित सिंह पटेल कौन है वाइस प्रेसिडेंट है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, इंदरमीत गौन कौन है विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं, अगस्ते तानो कौन है विश्व बैंक के देश निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। सभी बच्चों को हर हर महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू फ्रेम ए पॉलिसी टू फाइनेंस मेकर्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। ऐसा कौन सा बैंक प्रयोगशाला में विकसित हीरो की वित्त निर्माणों के लिए नीति तैयार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फटाफट से आंसर बताओ सभी लोग। कोई बात नहीं निधि, नहीं हुआ कोई बात नहीं बच्चे, नहीं हुआ तो क्या अब हार मान लें, इतने साल से हम लोग तैयारी कर रहे थे, अब हम लोग पीछे हट जाए, है ना। मान लो हमने गड्ढा खोदा और मुझे मालूम है कि इस लेवल के बाद मुझे डायमंड मिलने वाला है, यहां पे डायमंड की बात हो रही है तो हमको डायमंड की बात कर सकते हैं। तो यहां पे पनारूलाल जो है यहां से यहां तक गड्ढा खोद के आ गए, अब उनको क्या दिखा कि यहां पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिल रहे हैं, लेकिन इसके नीचे पूरा डायमंड का बाजार लगा हुआ है। बनारूलाल हार गए और चले गए। यहां पे आए विनोद और विनोद ने खूब गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदते खोदते उन्होंने ये माना कि चलो हीरा नहीं भी मिलेगा तो कुआं तो खोदाएगा, कुआं खोदा के पानी तो पी सकते, पानी हो सकता पेट्रोल निकल जाए, तो उन्होंने कुछ दिमाग में नहीं रखा, बस मेहनत की। लेकिन आपको मेहनत स्मार्ट वाली तैयारी करनी है, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1955 में हुई और बंबई में इसका हेडक्वार्टर है, एडी गोरेवाला कमेटी गठित की गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। सन 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खरा ये प्रेसिडेंट है, कौन है चेयरमैन है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, चेन्नई में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पे है, बड़ोदरा में। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है, बंबई में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL के अभी हाल फिलहाल में करेंसी नोट और बैंक नोट प्रेस में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस की स्थापना की गई है और ये किसकी मदद से की गई है। जाहिर सी बात है हमारे देश में जो नोट छापता है, नोट कौन छापता है, BRBNMPL, ये कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। सन 1995 में इसकी स्थापना की गई, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और टी रविशंकर इसके चेयरपर्सन है जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि SPMCIL क्या है बेटा, SPMCIL जो कि हमारे देश में जितने भी सिक्के की ढलैया होती है ना, ये सरकार के अंतर्गत काम करता है, तो सिक्कों की ढलैया या टकसाल वगैरह जो है यही इसी मिंट के अंतर्गत आता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर बताइएगा, नासिक और देवास, वेरी गुड, बहुत बच्चे। तो नासिक और देवास में मिंट बनाई गई है जहां पे बैंक नोट की जो प्रिंटिंग लाइंस होती है, जैसे 500 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, जहां पे कुछ इस तरीके के नोटों में धारी बनी होती है, ये प्रिंटिंग लाइंस आपके नासिक और देवास में ही छपेंगे। चलिए किस वर्ष को बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। इस वक्त जाड़ा चल रहा है, ठंड चल रही है, बाजरे का रोटी खाना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है और मजा भी आता है खाने में। तो 2021, 2022, 2023, 2025 उपयुक्त में से
जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि भारत इसको अगुवाई करेगा। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। कब किया गया? 2021, 2022, 2023, 2025, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे 2022 बता रहे हैं, सभी बच्चे 2022 सही है। अरे 2022 निकल गया पगलो, रुलाओगे क्या? 2022 निकल गया, अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2023। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2023 इंडिया वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ, ये थीम बनाई गई है, ये विषय बनाया गया है, इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 को बाजरा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। यह किसके द्वारा प्रपोज किया गया? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से किया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है बच्चे? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटरस, एंटोनियो गुटरस। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। इंडिया विद द एम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। यहां पे बाजरा के बारे में बताने की कोशिश की गई है। कई प्रकार के बाजरा आते हैं, जैसे कि ज्वार, जिसको हम लोग सोरगम कहते हैं, बाजरा बोलते हैं, रागी बोलते हैं। जो गांव में रहते हैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से याद होगा, मालूम भी होता है। तो इस तरीके से बाजरा मनाया गया है, जिसको पल मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स, अन्न मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, बाजरा कहते हैं हम लोग। अब यहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बाजरा का कहां पे होता है? जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे भारत में सबसे ज्यादा बाजरा का प्रोडक्शन राजस्थान में। पधारो मारो देश, राजस्थान, ठीक है, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश उसके बाद का हो, यूपी का भैया दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पे यक्कड़न स्थला आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे तेलंगाना, पांचवे पे कर्नाटका, छठवे पे तमिलनाडु। तो टॉप के आपको क्या याद करना है? टॉप के तीन याद करने हैं, जो कि बाजरा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? बाजरा का प्रोडक्शन राजस्थान, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, और साथ ही साथ आपके तीसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पधारो मारो देश। चलो, तो सभी लोग याद कर लीजिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट है बाजरा दिवस के तौर पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहां पे, देखो जल्दी जल्दी से, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज साइंड एन MOU विथ जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक टू फाइनेंस 700 JLGs इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आपके गांव में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लोग आते होंगे, आंगनबाड़ी के लोग आते होंगे, या फिर आशा ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते होंगे। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जुड़े होते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे जम्मू कश्मीर के अभी राज्यपाल हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने क्या किया है, साथ ही साथ RBI की मदद से जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, जो कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, चूंकि दो यूनियन टेरिटरी हो गए, केंद्र शासित राज्य हो गए, तो ज्वाइंट लाइबिलिटीज ग्रुप, वहां पे एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल फिलहाल में एक संगठन के साथ समझौता किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBI ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। और ये जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो पार्ट होता है ना, वित्तीय समावेशन का, इसमें ये संस्था भागीदारी बनेगी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है? नाबार्ड का, नाबार्ड। तो नाबार्ड ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका स्थापना सन 1982 में किया गया था, बंबई में हेडक्वार्टर है, और के वी शाहजी हाल फिलहाल में चेयरपर्सन बनाए गए हैं नाबार्ड की। इनको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतवर्ष में इंश्योरेंस कंपनी का पापा कहलाने वाला इल्डा, सन 1999 में स्थापित, हैदराबाद में हेडक्वार्टर, और देवाशीष पांडा इसके चेयरपर्सन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट का पापा
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहलाता है, सन 1992 में स्थापित, जो कि आपके हेडक्वार्टर बंबई में, मधावी पूरी पूछ इसकी चेयरपर्सन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों का पापा कौन? आरबीआई। सन 1935 में स्थापित, हेडक्वार्टर बंबई, शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये रेगुलेटर बॉडी नहीं है, ठीक है, और ये एक डेवलपमेंट बैंक के तौर पर जाना जाता है, जैसे कि नाबार्ड है और सिडबी, इसका भी हेडक्वार्टर लखनऊ में है। एस रमन इसके चेयरपर्सन है और इसकी स्थापना सन 1990 में की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट अर्न्स एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर्स। जो सरकार की कमाई और उसके कुल खर्चों के बीच का अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, बजटरी डेफिसिट कहते हैं, मॉनेटरी डेफिसिट कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं कहते? फटाफट से आंसर बताइएगा सभी लोग। हाँ, आज आप लेट हो गए, जय माता दी। चलिए आंसर बताइएगा, घाटा सरकार की कमाई और उसके कुल खर्चों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड। तो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, राजकोषीय का मतलब होता है खजाना, सरकार का पूरा खजाना। और जब सरकार के खजाने में से अगर वो एक्सपेक्ट किए कि 100 रुपया होना चाहिए और 100 रुपया में से अगर 80 रुपया निकल गया तो बचा कितना? 20 रुपया। और कितना परसेंट कम हो गया? यानी कि 80% कम हो गया, 80 रुपया कम है उसमें, तो फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का जो रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जितने भी नेट टैक्स रिवेन्यू जनरेट किए जाते हैं या नॉन टैक्स रिवेन्यू जनरेट किए जाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट को जोड़ दीजिए और टोटल एक्सपेंडिचर प्लान किया गया या नॉन प्लानिंग किया गया, इन सब में से फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट में से घटा दिया जाता है। अच्छा, ये बार बार हम रिसिप्ट बोल रहे हैं, रसीद होता है, यानी कि जैसे कि आप कोई भी, मान लो अगर कोई भी चीज खरीदारी करते हो तो आपको रसीद मिलती है, ठीक उसी तरीके से सरकार कोई चीज खरीदता है तो उसका खर्चा ब्यौरा दिखाया जाता है, उसको रिसिप्ट के रूप में दिखाया जाता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब सरकार को जितनी भी रिवेन्यू अर्जित की जा रही है तो उसका रिसिप्ट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो जितने भी पूंजी निवेश किए जा रहे हैं उसका एक अलग से रिसिप्ट बनेगा। तो ये सारे फॉर्मूले इस रूप में डिफाइंड किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर विच एक्ट फ्रेम। केंद्र सरकार के द्वारा किस अधिनियम ढांचे के तहत मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्ट 2016 के तहत, या उपयुक्त दोनों में से ए और बी? फटाफट से कमेंट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस साल का पांचवा, जो साल में दो बार बाई मंथली कमेटी गठित की जाती है हर दो महीने पे, ये मालूम होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई करता है, आरबीआई के गवर्नर करते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, 3 बाहरी, 3 इंटरनल और 3 एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अध्यक्षता होती है वो किस नियम के तहत होती है? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत, सेक्शन 45ZB के तहत इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई एक्ट 1934 हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब अध्यक्षता की थी तो उसमें रेपो रेट बढ़ाया गया था। रेपो रेट कितना बढ़ाया गया था? तो पिछला जो रेपो रेट था 5.9% था, और कितने बेसिस पॉइंट पर बढ़ाया गया? 35 बेसिस पॉइंट पर बढ़ाया गया। कितना बन गया बेटा? 6.25% बढ़ गया, ठीक है। तो पॉलिसी रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? रिपर्चेज ऑफर रेट होता है। जब भी कोई बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन उधार लेता है, अब ऐसा नहीं है कि वो लेने का संकल्प लेता है, आरबीआई चूंकि लिक्विडिटी को मेंटेन करता है इसी बेसिस पर रेपो रेट को घटाता है या बढ़ाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक टब में पानी भर दिया गया और उसमें नल ऊपर से चला दिया जाए
तो पानी भर भर के गिरता रहेगा, यानी कि पानी गिर रहा है, फ्लोइंग हो रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या तो आप ऊपर का नल बंद कीजिए या तो आप टब में से पानी निकालते रहिए, ठीक है। तो आरबीआई कुछ इसी तरीके का काम करता है। रिपर्चेज ऑफर रेट के तौर पर ये एक रेपो रेट बढ़ा दिया, जिससे कि जब भी बैंक लोन लेगा, मान लो यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से 100 करोड़ लोन लिया, कितना 100 करोड़ लोन लिया, तो आरबीआई को जब यानी कि वापस करना पड़ेगा कितना, एसबीआई को वापस कितना करना पड़ेगा, एसबीआई को 106 करोड़ 25 लाख वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था, 105 करोड़ 90 लाख वापस करता था, अब 106 करोड़ 25 लाख वापस कर रहा है। इसका मतलब बैंकों की लिक्विडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना भाई, रेपो रेट बढ़ रहा है, बैंकों की लिक्विडिटी कम हो रही है। मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि घटेगी, तो मार्केट में जो परचेजिंग पावर मतलब मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो घटेगा, ठीक है। तो पॉलिसी रेपो रेट 6.25%, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज रेट 6%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज एमएसएफ, जब इमरजेंसी बेसिस पर कोई भी बैंक पैसे उधार लेता है बैंक से, ठीक है, आरबीआई से, ठीक है, तो रातों रात उधार लेगा तो 6.5% के बेसिस पर पैसे वापस करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए 6.5%, हमेशा से एमएसएफ और बैंक रेट बराबर रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट अभी जितने भी हुए हैं, अभी पिछले कुछ सीजन से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एक कुछ और जानकारी बता देते हैं। आरबीआई की 5 सब्सिडियरीज हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एलाइडेड सर्विसेज, ठीक है, और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये सभी की सभी 5 आपके आरबीआई के सब्सिडरीज के तौर पर जाने जाते हैं। ये सभी की सभी सहायक संस्थाएं जो आरबीआई को अलग अलग तौर पर मदद करते हैं अलग अलग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एसपीएम सीआईएल के बारे में जान जाइए। एसपीएम सीआईएल की जो मिंटिंग है यानी कि जो टकसाल है वो बंबई में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। बंबई का क्या कहते हैं पहचान क्या है, वहां पे जो सिक्कों की ढलैया होती है वहां पे डायमंड बनते हैं, सिक्कों के नीचे डायमंड लगा हुआ। कोलकाता में जो सिक्कों की ढलैया होती है, उसमें कुछ नहीं बना होता है, सिंपल। हैदराबाद में क्या होता है, हैदराबाद में सिक्कों के नीचे स्टार बना होता है, अभी आप लोग के जेब में सिक्का होगा तो देख लेना, ठीक है। और नोएडा में यहां पे डॉट बना होता है, ठीक है। तो एसपीएम सीआईएल मिनी रत्न कंपनी में से जानी जाती है, और तृप्ति घोष इसकी चेयरमैन है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब जरा देखते हैं हमारे देश में जो क्वाइंस हैं, इंडियन गवर्नमेंट मिंट कोलकाता, बंबई, हैदराबाद, नोएडा, नासिक में करेंसी नोट प्रिंस है, बैंक नोट प्रेस देवास में है, और सिक्योरिटी प्रिंट जो प्रिंटिंग प्रेस है हैदराबाद में, और सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि होशंगाबाद में है। बंबई में जो क्वाइंस यानी कि जो सिक्कों की जो टकसाल बनाया गया था 1929 में स्थापित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अलीपुर में जो कि 1929 में स्थापित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। हैदराबाद में 1903 में निजाम के द्वारा स्थापित किया गया था, और नोएडा में 1986 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं, अभी भी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। सिक्कों की ढलैया के लिए कुछ नियम आए हैं जिसमें क्वाइनेज एक्ट कहा जाता है। क्वाइनेज एक्ट कब लागू किया गया था, क्वाइनेज एक्ट सन 1906 में किया गया था, ठीक है। आरबीआई जो है इसमें भारत सरकार जो है प्रोडक्शन करती है, सप्लाई आरबीआई यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आरबीआई करती है। भारतीय रुपए की जो सिक्के होते हैं पहली बार सन 1950 में ढलैया की गई थी, मिंटेड की गई थी। आरबीआई जो है सालाना प्रोडक्शन के रूप में क्वाइंस को बनाता है। मैक्सिमम डिनोमिनेशन यानी कि सबसे बड़ा रुपया यानी कि सिक्कों की जो ढलैया होती है वो 1000 तक के डिनोमिनेशन की सिक्कों की ढलैया की जा सकती है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ठीक है,
यूपीआई नंबर कैसा होता है बेटा? ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है ना, उसको हम लोग वीपीए कहते हैं, जिसको वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस के रूप में या यूपीआई आईडी के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड आई को होम बायस की मदद से भारत सरकार से निवेश किया गया, कितने करोड़ का निवेश किया गया? स्वामी, स्वामी का मतलब क्या हो गया जरा याद रख लो बेटा, स्पेशल, एस फॉर स्पेशल, इसको याद कर लेना। डब्ल्यू का मतलब होता है विंडो, डब्ल्यू का मतलब होता है विंडो। ठीक है, ए का मतलब होता है आपका अफोर्डेबल, ए का मतलब होता है अफोर्डेबल। ठीक है, और एम का मतलब क्या हो गया? मिड इनकम, मिड इनकम। ठीक है, और आई का क्या मतलब हो गया? आई का मतलब हो गया मिड इनकम, और एच का मतलब हो गया हाउसिंग। ये फुल फॉर्म है, इसको याद करना। ठीक है, तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड आई को होम बायस की मदद से भारत सरकार से कितना निवेश प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2000 करोड़, 5000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ या 1000 करोड़? वेरी गुड, सभी लोग आंसर बता रहे, सभी लोग आंसर दिया करो। ठीक है, 5000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है भारत सरकार की तरफ से, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है 15000 करोड़ का भारत सरकार की तरफ से रखा गया है। जैसे कि जो होम बायर्स होते हैं, जो घर खरीदते हैं ना, तो घर खरीदने की जिनकी क्षमता नहीं होती है उनको सरकार मदद करती है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत या मुख्यमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत। अब इसमें स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि जो लोग घर खरीद नहीं पा रहे हैं और सरकार के पास भी पैसे नहीं है, तो सरकार एक फंड बना दिया गया है जिससे कि होम बायर्स यानी कि जो घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। तो 5000 करोड़ का एक पैसा निवेश प्राप्त हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5000 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मॉन्शार्ट ने हाल ही में दोनों देशों में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एक कंपनी है मॉन्शार्ट, ठीक है, और ये किस देश की कंपनी है? यूनाइटेड किंगडम की, फ्रांस की, यूनाइटेड अरब अमीरात की, सऊदी अरेबिया की, ऑस्ट्रेलिया की। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी के तौर पर जाना जाता है। यहां पे ये जो कंपनी है सिडबी यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करेगा, भारत में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको प्रमोट करने का काम स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करता है। सिडबी जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत चार बैंक आते हैं जिनको हम लोग चार डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इनमें से एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, दूसरा नेशनल हाउसिंग बैंक है, तीसरा अगर हम लोग देखें तो आपका नाबार्ड हो गया, नाबार्ड हो गया, और चौथा आपका देखें तो आपका सिडबी हो गया। हाँ, चार हो गए तो चार ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इसको सरकार सपोर्ट करती है। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक और पांचवा आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं नैपफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके जो चेयरमैन अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं राज किरण रॉय जी बनाए गए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की चेयरपर्सन कौन है भाई? हर्षा बंगाड़ी है। कौन है? हर्षा बंगाड़ी। नेशनल हाउसिंग बैंक की शारदा कुमार होता, ये ना होता तो क्या होता? नाबार्ड की केवी शाहजी बनाए गए हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की एस रमन है। कौन है? एस रमन है, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में एशिया डेवलपमेंट बैंक ने किस मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बहुकिस्त वित्त पोषण सुविधा की ऋण की मंजूरी दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 780 मिलियन यूएस डॉलर मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी। मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे अमाउंट में, मतलब इतना बनाया गया 780 और उसको उनमें से छोटे छोटे अमाउंट के रूप में एक बहुकिस्त, एक किस्त होता है एक बहुकिस्त होता है, तो किस्त वाइज यानी कि एक एमएफएफ के तौर पर देना शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। बैंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो। तो सभी लोग आंसर क्या दे रहे हैं? यहां पे चेन्नई मेट्रो हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई मेट्रो। तमिलनाडु के सीएम का नाम एन के स्टालिन।
ठीक है, नाम पढ़ो तो ऐसा लगता है हॉलीवुड के एक्टर का नाम है, ठीक है, आर एन रवि। ये कौन है? राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल तमिलनाडु की। तो चेन्नई मेट्रो का एशिया डेवलपमेंट बैंक ने किस मेट्रो रेल के लिए नई लाइन बनाने के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए मंजूरी दी गई है? एशिया डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है इनका क्या नाम है? बड़ा अच्छा नाम है, मासात्सुकु आसाकावा, मासात्सुकु आसाकावा। एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चे? मांडुलियांग यानी कि मनीला यानी कि फिलीपींस में है। इसके कितने सदस्य देश है? 168 सदस्य देश हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक भारत को सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अगर आपके परीक्षा में ऑप्शन आ जाए तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करने से अच्छा दो ऑप्शन रखना एडीबी और वर्ल्ड बैंक, और 90% आंसर आपके एडीबी होगा या तो विश्व बैंक होगा, बाकी 10% आंसर एआईआईबी हो सकता है, आईएमएफ हो सकता है या कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्था हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चेन्नई मेट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन्स के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे चुना गया है? ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूके के हैं, ग्रेगरी रॉबिन्सन जो कि नासा के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर रहे, व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, टेस्ला के मालिक जो कि एलन मस्क है, या जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अरे यार क्या हो रहा है विनोद, विनोद देखो क्या हो रहा है, 168 बता दिया मैंने, यहां पे 68 है, 68 है, ठीक है, भावनाओं को समझना, 68 है, बहुत बढ़िया 68, देख रहे हो विनोद आज मनीष सर जो हैं कितनी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन एक ही गलती हुई है, ठीक है, और आप लोगों ने उसको सुधार कर दिया है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्ची, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जेलेंस्की, जेलेंस्की, वेरी गुड। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, और पिछले साल 2021 में एलन मस्क को बनाया गया था, पिछले साल 2021 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर को जो टाइम मैगजीन में विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका के तौर पर जाना जाता है व्लादिमीर जेलेंस्की और इनको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली जो कि दिसंबर 2022 में BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीती है। उस भारतीय व्यक्तित्व का नाम बताएं जिसने हाल ही में BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता गया है। मनदीप कौर, मनदीप कौर, पलक कोहली, पारुल, पारुल का भी नाम आ जा रहा है, पारुल परमार, नीलक रुखी सिक्की रेड्डी, मनीषा रामदास, यहां पे बस मनीषा के आगे ए हट जाता तो मेरा भी नाम आ जाता, तो मनीषा रामदास। नेम द इंडियन पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली वोन द BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर बताइएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे शानदार तरीके से, मनीषा रामदास। तो मनीषा रामदास का नाम आता है जो कि इस साल BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं। अब आपके सामने होमवर्क है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क है। सभी लोग यार सेशन को लाइक तो कर दिया करो मेरे भाइयों, सेशन को कंजूसी क्यों करते हो? मैं देख रहा हूं कि कंजूसी बहुत करते हो तुम लोग, क्या करोगे इतनी कंजूसी करके, जिंदगी में यहीं पे सब कुछ रह जाना है तो कम से कम एक लाइक देके चले जाओ, फटाफट से एक लाइक मार दो यार। तो यहां पे दिसंबर 2022 में भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, यह आपको होमवर्क के तौर पर बताना है, और इसी के साथ आपको सिर्फ ऑप्शन ही नहीं बताना है, साथ साथ आपको गुजरात के गिफ्ट का फुल फॉर्म याद करना है, जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म, दूसरा गिफ्ट सिटी में नेशनल डेवलपमेंट बैंक का एक रीजनल ऑफिस खोला गया है, उसके डायरेक्टर का नाम, रीजनल ऑफिस खोला गया है उसके डायरेक्टर का नाम यानी कि उनका संचालन कौन कर रहा है, दूसरा गुजरात में अभी अहमदाबाद, अहमदाबाद किसी भी चीज के लिए बड़ा फेमस हुआ है इसके बारे में आपको बताना है, कोई भी एक चीज जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है,
गरबा याद आ रहा है तो गरबा करते हैं ना, ठीक है। गांधी जी का नाम याद आ रहा है, साबरमती नदी याद आ रही है या साबरमती आश्रम याद आ रहा है, जो भी तुम्हारी इच्छा करे उसको याद करो। और भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया है, और ये आपको होमवर्क के तौर पर बताना है। साथ ही साथ गुजरात के राज्यपाल का भी नाम याद करना है, ठीक है। चलिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद करनी है। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, अभी खत्म नहीं हुआ है आशीष, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। अभी हाल फिलहाल में कुछ उत्तराखंड सरकार की तरफ से एप्लीकेशन जारी की गई है, जैसे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, हंस जल धारा योजना, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम, सीएम उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी स्कीम, ईएफआईआर सर्विसेज, 1064 एंटी करप्शन एप्लीकेशन और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सभी की सभी चीजें याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये आपको समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया। जिन बच्चों ने अभी भी 2023 का टारगेट रखा है, जिनको लगता है कि अभी उनका आधार यानी कि फाउंडेशन बहुत वीक है, आप चाहते हो छह महीने में आपका रिक्रूटमेंट हो जाए, अगर आपको चाहते हो कि जून 2023 के ग्रामीण बैंक के एग्जाम में आपको अपीयर होना है, अगर आप चाहते हो पीओ बनना, अगर आप चाहते हो स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना, अगर आप चाहते हो क्लर्क ग्रेड के पोस्ट को हासिल करना, तो बैंक एक अच्छा रास्ता है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है, बहुत जल्दी आपकी तैयारी कराता है, साथ ही साथ आपको मेहनत के बेसिस पर आप उसमें सफल भी होते हो, ठीक है। तो आप सभी लोग निराश मत होइए, जिन बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है कोई बात नहीं, 2023 डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए है, और मेहनत कीजिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ स्ट्रैटजी में कमी रही होगी, तभी ये रिजल्ट आया है। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानता हूं कि जो लगातार चार चार साल से पांच पांच साल से सिर्फ बैंक में ही लगे हुए हैं, उनका अन्य एग्जाम भी क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन बैंक के एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही अपने आप में कठिन होता जा रहा है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप सोचो लाखों बच्चों में आपने कितने आगे आप आ गए हो, ठीक है, आप लाखों बच्चों को पीछे करके आप आगे आ रहे हो, तो आप में भी एक अलग ही बात होगी जो आप ये बात को समझ सकते हो, है ना। तो 1599 का बैंक 60 कोड लगाइएगा यहाँ पे, और आप सभी लोग के लिए आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल थोड़ा सा और